ये क्या है? क्या मेरे साथ किस क्यों देती रहती है मेरे साथ? लिख नहीं रहा बादल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं नहा धो के खा पी के मतलब नाश्ता करके रेडी हूँ जाने के लिए। और जिसके साथ जाती हूँ ना, मेरी फ्रेंड जिसका बर्थडे था, वो भी जाती है मेरे ही साथ। तो वो नहा रही है अभी, तुरंत तैयार होगी। उसको लेट हो गया था आज उठने में ही, 7 बजे उठी थी, जल्दी जल्दी खाना बनाई, फिर अब हम लोग निकलेंगे। रचना भी उठ चुकी है तो चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी रचना, मैं आई ना रूम में तो रचना थी नहीं, रचना वॉशरूम गई है, तो आने दीजिए उसको, फिर मिलते हैं। क्या कर रही हो रे? तुम बोली नहीं नहाएंगे। और आज मैं एक बार भी ब्लॉग नहीं की, रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा काम में सुबह सुबह बिजी हो गई थी। सबसे पहले मैं 6:30 बजे सो के उठी थी, ठीक है ना, और बस 7 बजे मैं नहा धो के सब कुछ करके रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे रचना कोई वाले चैनल के लिए एक वीडियो बनाना था, हॉल वीडियो था, जेंट्स हॉल का कुछ वीडियो था, क्योंकि वो वीडियो लोग देखना पसंद करते, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं बनाई सुबह सुबह। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, ठीक है ना, 10:30, आप देख सकते हैं धूप निकल चुकी है पूरा, तो अच्छे तरीके से धूप तो वैसे भी आजकल सवेरे सवेरे निकल जाता है, पता नहीं कहा बहुत गर्मी भी लगता है। एंड मेरी दी जा चुकी है क्लास, और ये ढेर सारा रबर अपने लिए लाई है, आप देख सकते बस हो, बस यही लाए, और ये वो भी मम्मी का एक पैक ही नहीं, प्राची आप देख सकते हो, प्राची बहुत सारा शॉपिंग करके लाई है, बहुत सारा नहीं है तो क्या है। आप कल घर जाने वाली है ना? मेरे लिए तो बस रबर ही, बाकी सब तो मम्मी। हाँ, मम्मी के लिए है चूड़ी, मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ, ये कल घर जाने वाली है, आपको मैं बहुत मिस करूँगी बहुत। हमेशा आप किस क्यों देते रहती है मेरे सब्सक्राइबर को? नहीं नहीं बताइए, आप हमेशा किस क्यों देते हैं मेरे सब्सक्राइबर को? इट्स माय मिस्टेक, मेरा आदत है सबको। हाँ आदत है, पता है बहुत गंदा आदत है आपका। नहीं है, लोग गंदे वे में लेंगे तो गंदा, अच्छे वे में लेंगे तो अच्छा। तो ये मम्मी लोग को ना रेड बहुत ज्यादा पसंद आता है, उनको ये बहुत अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट ये वाला, ये स्कूल तो ये काफी सारा पैसा उड़ा करके अभी आई है, जो भी थोड़ा बहुत भी बचा था खत्म हो खत्म हो गया, वैसे भी घर जाते जाते सारा रुपया ही खत्म हो जाता है हम लोग का, पता नहीं क्या खाएंगे, इसको दे के भेजते ही जब आती है सब लुटाते हैं। अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर भयानक गर्मी हो रही है, और हम लोग का ऊपर वाला रूम है और भी ज्यादा गर्मी लग रहा है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये क्या है? क्या इसका भी अनबॉक्सिंग मैं करूंगी, इसका और एक आ चुका है उसका, दोनों का अनबॉक्सिंग होगा। नहीं उसका नहीं, सिर्फ इसका। हाँ उसका नेक्स्ट वीडियो में होगा शायद, क्योंकि उसका लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए तो दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुक के किया जा रहा है। आप लोग गेस करो इसमें क्या हो सकता है, बताओ बताओ बताओ, इतना बताओ, बड़ा बताओ, स्टिक बताओ, जैसा लग रहा है, बताओ बताओ बताओ, 8 फीट का है, 8 फीट का है, पागल नहीं, 4 फीट का है, मेरे से बड़ा है, तुमसे बड़ा नहीं है, पागल। देख सकते हो हमारा आर्टिफिशियल प्लांट निकल चुका है, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, सो ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो, इसको सेट करना पड़ेगा, और इसको सेट करना पड़ेगा, अभी जो आया है ना बहुत ज़्यादा उस तरीके का है, तो उसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा, मैं नया सेटअप बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी उसमें। और गाइस यहाँ पे मैं सारे कपड़े को पैक कर रही हूँ, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ, सारे अभी मैं पैक करने वाली हूँ, आप देख सकते हो बहुत सारे ड्रेसेस हैं, हो चुका है ये, अभी बाकी है रिव्यू करने के लिए, और ये सब को मैं कर रही हूँ, सो फाइनली डन। और इधर इसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो गई है, कपड़ा धो धो के एक बकेट धोई, वैसे मोस्टली मैं ही कपड़ा धोती हूँ, मुझे अच्छा लगता है धोने में, बस बर्तन मैं नहीं धोती, मुझे बहुत गंदा लगता है, बट आज ये धोई, और अभी बजे हैं 7:30, और इतनी रात को धोने की क्या ही जरूरत थी, कल मैं बहुत ज़्यादा तेज धूप निकलती है और सारा कपड़ा का रंग कलर डिसकलर हो जाता है, जाएगा उड़ जाएगा, उलट जाएगा, उड़ जाएगा। अच्छा मैं दिखाती हूँ, देख सकते हो शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, देख सकते हो कपड़ा सुखा रही है यहाँ पे, अभी धूप तो है नहीं, खैर सुबह में उठा लेगी, है ना, 5 बजे उठती हूँ, हाँ हम लोग खा रहे हैं,
रबड़ी 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 सामने ही लाइट गर्म हो गया। इसका पेट तो वैसे भी कभी भरता नहीं है। तुम हमेशा क्यों चिढ़ाते रहती हो इतना सबको? सब कोई तुमसे परेशान हो गया क्योंकि आदत ही मेरा कुछ ऐसा ही हो गया था। हम क्या करें? आदत सुधारो और क्या करोगी? हम लोग कैसे बोलते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? एक ना कोई चर गवार की तरह गवार नहीं बोलने का। ओके 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 एक ना कोई मुझे बोल रहा था कि तुम्हारा आवाज ना रचना मेंस की तरह है। ओह माय गॉड, जेंस की तरह है। मैंने बोला हाँ जेंस की तरह है यार, लड़की का आवाज ना कभी भी लड़का की तरह नहीं हो सकता है, ठीक है ना? कॉमन सेंस वाली बात जो कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरे जो पास बोला होगा उसके पास नहीं। ऐसे नहीं बोलते यार, मेरा आवाज सच में मर्दों की तरह है यार। नहीं देखो वो क्यों बोला का पता है? क्योंकि तुम जोर से बोलती हो ना, इसलिए। लड़की इतना जोर से नहीं बोलती। तो लड़की कैसे बोलती है? शर्मा के बोलती है, ऐसे बोलती है। अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं। हम भी बोलेंगे अजी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो इधर आओ। सुना देते हैं अच्छे से। ये आप देख सकते हो हॉल वीडियो बना के जो रूम की हालत होती है ना, मतलब देखने लायक नहीं होता यार। दिख नहीं रहा बादल बहुत जरूर कि अभी आंधी तूफान आ चुकी है। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।